Hey guys, how are you? And इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं. यहाँ पे एक फाइट होने वाली है वर्सेस. तो ये फाइट एक्चुअली किसी इंसानों में नहीं होने वाली. आप इतना स्ट्रेस्ड आउट मत होइए. ये फाइट है नेल पेंट रिमूवर के बीच में. हम सभी नेल पेंट्स यूज़ करते हैं. मेरी सारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फॉलोअर्स हैं, वो सभी नेल पेंट्स यूज़ करती हैं, आई एम श्योर. और उनके घर में जितने भी फीमेल्स हैं वो सब नेल पेंट्स यूज़ करती हैं. आफ्टर ऑल हमें कलर्ड नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना. सो हम जो है नेल पेंट्स को जब हमें रिमूव करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेल पेंट रिमूवर, राइट. सो होता क्या है, मार्केट्स में इतने सारे वेरिएंट्स हैं नेल पेंट्स के कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम कौन सा नेल पेंट रिमूवर यूज़ करें. सो इस चीज़ के लिए मैं आज ये वीडियो कर रही हूँ. इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे दो नेल पेंट्स, दो नेल पेंट्स, और हम चेक करेंगे कि उनमें से कौन सा नेल पेंट सबसे अच्छा है. एक्चुअली उनमें से जो एक है वो मेरा हमेशा का फेवरेट रहा है. मैं हमेशा उसी को यूज़ करती हूँ. और इन नेल पेंट रिमूवर, मैंने आगे नेल पेंट कहा, सो इन नेल पेंट रिमूवर को मैंने अपने शॉपिंग हॉल में भी शामिल किया था, जो कि आपने ज़रूर देखा होगा. सो इसमें से जो एक है वो तो मेरा फेवरेट है, और जो अगला वाला है वो मेरे लिए भी एकदम न्यू है, वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया. सो चलिए देखते हैं क्या है. सो ये जो फर्स्ट नेल पेंट है ये एलिटीन है. एलिटीन का नेल पेंट रिमूवर, ये फर्स्ट बार मैंने ये ख़रीदा है. एंड आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई कि बुरा क्या है. ज़रूरी नहीं ना कि मतलब अगर हम एक ब्रांड यूज़ कर रहे हैं हमेशा तो वही सिर्फ अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा हो सकता है. तो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा अच्छा है कि नहीं है. तो ट्राई करके हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा है कि नहीं. ओके, सो ये एलेटीन नेल इनेमल रिमूवर है विद ग्लिसरीन. सो ये एक नॉर्मल कांच की बॉटल है, छोटी सी. इसमें 30 ml है. एंड ये मुझे मिला था 45 rupees का. ये शायद 50 rupees का था एंड ये मुझे 45 का मिला था ऑफ पे. सो और जो मेरा हमेशा का फेवरेट है वो है लैक्मे का नेल कलर रिमूवर विद विटामिन ई. यस, सो इसमें हमें मिलता है 27 ml और ये है 80 rupees का. तो इस पर मुझे कोई ऑफ नहीं मिला, ये 80 rupees में मुझे मिला है. और एक बात अच्छी थी कि वो एलिटीन वाले में मुझे 5 rupees का ऑफ मिला. सो ये एक प्लस पॉइंट हो गया उसके लिए. सेकंड जो उसका प्लस पॉइंट है उसमें मुझे 3 ml ज़्यादा मिल रहा है. उसमें मिल रहा है मुझे 30 ml एंड इसमें मुझे मिल रहा है 27 ml. यस, सो और इसमें मुझे विटामिन ई मिल रहा है और इसमें मुझे मिल रहा है ग्लिसरीन. और इसमें क्या क्या मिलता है, दोनों ही हिंदुस्तान लिवर, यस, दोनों के मैन्युफैक्चरर्स सेम हैं. यस, एंड चलिए इसे ट्राई करते हैं. वैसे भी मुझे अपने नेल पेंट्स हटाने हैं. सो ये मैंने एक जगह लिया एलेटीन वाला अपनी फर्स्ट फिंगर पे एंड अपनी नेक्स्ट फिंगर पे मैं लूंगी ये
ये लैक्मे वाला। सो ये गया लैक्मे वाला और ये गया एलिटीन। सो लेट अस वेट फॉर अ वाइल। वैसे मुझे लगता है कि एलिटीन वाला भी सेम क्वालिटी का होना चाहिए, भले ही उसके प्राइस में थोड़ा फर्क है, बट लेट्स सी। ओके चलिए रिमूव करते हैं। ओह अमेजिंग, एज यू कैन सी ये पूरा रिमूव हो चुका है। ये था मेरा एलिटीन वाला एंड अब देखते हैं लैक्मे वाला। सो अफसोस मुझे इससे रब करना पड़ रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा। भले ये साफ हो गया लैक्मे वाला, लेकिन इसके एजेस पे यहाँ पे मेरे फिंगर्स के साइड्स में थोड़ा रह गया था, जो कि लैक्मे वाले नेल इनेमल रिमूवर ने साफ नहीं किया। सो मेरे इस मैच में एलिटीन ने लैक्मे को हरा दिया। येपी। मुझे, मैं सच बताऊँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी। आई वाज लाइक व्हाटएवर, जो भी हो मेरा तो लैक्मे ही जीतेगा, बट एलिटीन ने लैक्मे को हरा दिया। हार गया लैक्मे and the winner is my Elitine, cheap in price, bigger in, you know, amount means ml, volume, bigger in volume, and it is much better than Lakme. Yes, so actually isne bhi 19-20 ka fark hai, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस पे बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ML में भी एलिटीन ज़्यादा है और प्राइस में लैक्मे ज़्यादा है, बट काम करने में एलिटीन वॉज सुपर्ब। एक्चुअली उसे बहुत जल्दी हटा दिया एंड एजेस से भी सारे, मतलब जो भी था वो पूरा हटा दिया, कोई रेजिड्यू नहीं था। एंड लैक्मे ने वो काम नहीं किया, मुझे रब करना हुआ, रब करने से वो हटा, बट मुझे रब करना हुआ। सो यस गाइस, ये था मेरा वर्सेस चैलेंज, जो कि था एलिटीन एंड लैक्मे नेल रिमूवर के बीच में, जिसमें कि एलिटीन जीत गया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो अब मैं यहाँ पे अपना वीडियो रैप अप करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे फन एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो बाय, सी या।